राते राते सभी को, मेरा नाम अंकिता है और मैं आज पूरी आई हूँ, स्टर्लिंग होटल में स्टे की हूँ। सो लेट्स कम एंड आई विल गिव यू द टूर ऑफ द होटल। चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ भुवनेश्वर से एंड हम लोग पूरी जा रहे थे और दही बड़ा फर्स्ट टाइम इसे भूल सकते हैं। दही बड़ा, आलू दम दही बड़ा बहुत ही यम्मी होता है। उड़ीसा आए तो जरूर ट्राई करें, दही बड़ा आलू दम बहुत ही अमेजिंग होता है। हम लोग गए थे पूरी में स्टे किए थे स्टर्लिंग होटल में। वो बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट है, सी बीच के पास है। हम लोग का वेलकम हुआ विद वेलकम ड्रिंक। ये उनका रिसेप्शन एरिया है एंड लास्ट तक वीडियो देखिएगा बिकॉज इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ कि रूम मेरा कैसा था। बहुत ही अमेजिंग था एंड ब्रेकफास्ट डिनर लंच सब चीज़ बताने वाली हूँ। ये उनका रिसेप्शन एरिया से भी दिखता था सी बीच और साथ साथ पूल। सो दिस इज स्विमिंग पूल एंड वहाँ पे यू कैन सी देयर इज बीच। हेलो, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, आप कहाँ हैं अभी? हेलो, चलो कम टू माय रूम। सो पहले मैं रूम दिखाती हूँ। कम तो एंड रूम से तो और ये मम्मी है। और ये मम्मी कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। मम्मी आप उड़िया में बोल सकते हैं। दिस इज द वॉशरूम। एक मिरर भी आ जाओ मिरर। क्यों और इस होटल में दो स्वीट है और ये स्वीट रूम में आता है। एंड द कॉस्ट ऑफ दिस रूम वॉज 17K। एंड सबसे बेस्ट पार्ट है इस होटल का स्विमिंग पूल एंड यहाँ पे बीच। कितना सुंदर है। एक्चुअली ये रिवर है और वो बीच है। ये काफ़ी बड़ा होटल है, सॉरी टू से, इसमें कुछ ज़्यादा रूम स्वीट्स के रूम थे। ये स्वीट के अंदर आता है ये रूम। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा रूम था। He told me कि दो ही स्वीट है। ये दो सिटिंग एरिया है, ये कपड़ा भी सुखाने के लिए दिया गया है एंड देन ये सिटिंग एरिया भी है। और ये पता है सोफा कम बेड है जिसमें रात को सो सकते हैं। और ये है रूम, ओवरऑल बहुत ही सुंदर है। मम्मी रूम बहुत अच्छी, एक्सीलेंट, बहुत ही सुंदर। एंड टॉकिंग अबाउट द स्टाफ, यहाँ का स्टाफ बहुत ही अच्छा है। ये एक रिलेशनशिप मैनेजर असाइन हुआ था जो हमारा अच्छे से देखभाल किया था। सो ही इज टॉकिंग अबाउट द होटल एंड ही इवन गेव अस फोन नंबर फॉर एनी हेल्प ड्यूरिंग आवर स्टे। तो बहुत ही अच्छा है। चेकिंग टाइमिंग 1:00 है इस होटल का, तो हम लोग लंच के टाइम पहुंचे थे। सो इनका लंच का कॉस्ट है आई थिंक सो 880 रुपीज, जो कि मतलब बहुत सारा खाना देते हैं। इवन स्टार्टर भी सर्व करते हैं। स्टार्टर गरम गरम आपके टेबल पे सर्व किया जाता है एंड बहुत ही अमेजिंग स्टाफ है। वो लोग ध्यान एकदम अच्छे से देते हैं एंड बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट का स्टाफ स्पेशली बहुत ही अच्छे हैं। दिस इज आवर लंच और ये मम्मी खाते हुए और सूप भी है, स्टार्टर भी है।
खाना खाने के बाद ऑब्वियसली डेजर्ट का काउंटर थोड़ा छोटा था बट आइसक्रीम अच्छा था। और फिर उसके बाद खाना खाने के बाद हम लोग सोचे कि होटल को एक्सप्लोर करें, सो हम लोग स्विमिंग पूल के पास बहुत सारे फोटो क्लिक किए एंड एंजॉय किए। हम लोग के पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं था इसलिए हम लोग स्विमिंग पूल में नहीं गए, और यहाँ पे पास में ही बीच और रिवर दोनों हैं, वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, इवन अंदर से रास्ता है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा। प्रॉपर्टी के अंदर ही है, बहुत ही सुंदर है। एंड ये रहा स्विमिंग पूल, मम्मी और प्रयास वहाँ, प्रयास मम्मी का फोटो खींच रहा है। दिस इज इनसाइड द प्रॉपर्टी, मम्मी प्ले कॉर्नर भी है। ये प्ले एरिया है, मतलब आउटडोर प्ले एरिया, आगे मैं दिखाऊंगी कि यहाँ पे इंडोर प्ले एरिया भी है। ये देख सकते हैं कि अंदर से रिजॉर्ट के अंदर से जाने का रास्ता है। ये वाला नदी है एंड उसके बगल में सी है, दोनों मिलता है वहाँ पे। मम्मी क्रॉसिंग द रोड, सो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बर्ड्स दिख रहे थे। वैसे तो पूरी मैं जितना जानती हूँ कि बहुत सारे बर्ड ऑस्ट्रेलिया और बाहर से आते हैं माइग्रेशन के टाइम, तो बहुत सुंदर सुंदर बर्ड दिखते हैं इवन चिल्का लेक में। मैं नेक्स्ट वीडियो में डालने वाली हूँ जगन्नाथ पुरी एंड का दर्शन, और उसके साथ साथ थोड़ा डर लगता है पानी से, वो इसलिए नहीं जा रही है। हम रिवर क्रॉस करके चले गए सी बीच में और बहुत सारा एंजॉय किए एंड बहुत सुंदर सुंदर वीडियोस एंड फोटो लिए। यहाँ देख सकते हैं रिवर एंड सी दोनों मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लगा। रिजॉर्ट बहुत ही अमेजिंग है सच में, कितना पास सी बीच। मैं पहले भी बीच रिजॉर्ट में रुकी, स्टे की हूँ, बट अंदर से कभी जगह प्लेस नहीं है इतना पास में जो बीच के पास सिचुएटेड है। तो ये बीच के पास एकदम पास में सिचुएटेड है, अंदर से रास्ता है, सो बहुत ही अच्छा लगा। मम्मी ऑल्दो स्टार्टिंग में डर रही थी पानी पे जाने के लिए, बट वो हम हमारे साथ आ गए। हम लोग फिर बहुत सारा फोटोज क्लिक किए, बहुत मजे किए। फिर हम लोग रूम आ गए, रूम में आकर शाम का समय हो रहा था, यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स घूम रहे थे, हम लोग बहुत सारे मस्ती और गॉसिप्स कर रहे थे तीनों मिलकर। फिर रात हो गया, रात का ऐसा व्यू था स्विमिंग पूल एरिया का। फिर रात को हम लोग मंगाए चाय और जूस। फिर यहाँ पे हम लोग एज यूजल यू कैन सी कि हम लोग बहुत गॉसिप कर रहे थे। बहुत अच्छा लगता है फैमिली के साथ बाहर जाकर, स्पेशली मम्मी के साथ। मम्मी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को, सो इन्जॉय किए। एंड ये है रिसेप्शन एरिया, रात को देख सकते और भी सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे है। ये है सैंड आर्ट जो होटल में बनाया गया था एंड जय जगन्नाथ। जगन्नाथ, अगर यहाँ तक आप मेरा वीडियो देख लिए हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय जगन्नाथ। और रात में हम लोग गए प्ले एरिया, और प्ले एरिया भी बहुत ही अच्छा था। चलिए दिखाती हूँ, सारे गेम्स थे, टेबल टेनिस, फूसबॉल, लूडो, कैरम, प्ले स्टेशन, बहुत सारे एक्टिविटीज थे। हम लोग यहाँ पे बहुत खेले, टेबल टेनिस भी खेले और लूडो भी खेले। लूडो में मम्मी जीत गए, मम्मी इवन ट्राई की फूसबॉल खेलने का, और वो मैं बोल सकती हूँ वो हमसे अच्छा खेल रही थी। We are here for dinner. Hara bhara kabab, rice, dal, curd.
अगेन दाल नूडल्स मंचूरियन डिनर भी बहुत ही अमेजिंग था, बहुत यम्मी। कॉस्ट वाज 850 रुपीज अगेन। सब बैंगन अच्छा था डिनर, पनीर मज़ा ही आ गया डिनर करके। और ये है भुजिया, ये नॉन वेजिटेरियंस के लिए है। दैट्स इट। ये है केसर सागर ट्रफल्स जलेबी, जलेबी जलेबी। डिनर का कॉस्ट था 850 रुपीज़ अपनी, बहुत ही अमेजिंग डिनर था, बहुत अच्छा खाना था वहाँ का। एंड देन नेक्स्ट डे सुबह उठी और रेडी हो गए और यहाँ देख सकते हैं मेरे मिरर में भी सी बीच और रिवर दिख रहा था, बहुत ही अमेजिंग व्यू था, बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था इस होटल में। फिर हम लोग रेडी वेडी होकर नीचे आ गए ब्रेकफास्ट खाने के लिए। ब्रेकफास्ट मेरे इंक्लूडेड था पैकेज में, सो ब्रेकफास्ट वाज फ्री एज यू कैन से। ब्रेकफास्ट में भी बहुत काफ़ी बड़ा ऑप्शन था, बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे ब्रेकफास्ट करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही मैं चेक इन करती होटल में ब्रेकफास्ट का वेट करती, कौन कौन वेट करता ब्रेकफास्ट का जरूर बताइएगा। यहाँ पे होटल में ही एक दुकान था सुविनियर्स का दुकान और यहाँ से हम लोग खरीदे जगन्नाथ भगवान का मूर्ति। ऑब्वियसली अगर पूरी आया तो मूर्ति नहीं खरीदे तो क्या ही खरीदे। फिर हम लोग मूर्ति खरीद कर निकल गए। यहाँ पे हैंडमेड पेंटेड भी था जो 6,000 का था, बहुत ही अमेजिंग दुकान था ये वाला। और थैंक यू जय जगन्नाथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो और राधे राधे सभी को, थैंक यू बाय। ये सब पेंटिंग कितने का?